मैं रानीकोट किला बोल रहा हूं। मैं कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी के पश्चात आज पाकिस्तान में हूं। मैं वही किला हूं जिसे विश्व का सबसे बड़े किले होने का दर्जा प्राप्त है। मैं 32 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ किला हूं। मेरी दीवार की तुलना चीन की दीवार से की जाती है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। इसी वजह से मुझे वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। मुझे 1993 में पाकिस्तान के नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए चिन्हित किया गया था। मेरा निर्माण किसने करवाया, यह हमेशा से ही एक रहस्य बनता हुआ आया है। मेरे निर्माण को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार मेरा निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में मानते हैं, तो कुछ लोग 8वीं और 9वीं सदी के आसपास मानते हैं। कुछ इतिहासकारों की माने तो मेरा निर्माण सिंध के गवर्नर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके पर्शियन नोबल इमरान बिन मुसा बरमकी ने किया था, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा मानना है कि मेरा वर्तमान ढांचा मीर अली खान तालपुर और उनके भाई मीर मुरादत अली ने साल 1812 में बनवाया था, जो कि तालपुर राजवंश से ताल्लुक रखते थे। वहीं अगर मेरी बनावट की बात करें तो मैं बेहद आकर्षक, अद्भुत एवं भव्य किला हूं, जो कि कई पहाड़ों और किरथर की पहाड़ियों को जोड़ता हूं। मेरे उत्तरी हिस्से में एक बेहद विशाल एवं प्राकृतिक पहाड़ी है, जबकि अन्य तीन तरफ से मुझे दीवारों द्वारा घेरा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे चार प्रवेश द्वार हैं, जिनमें क्रमशः सैन गेट, अमरी गेट, शाह पेरी गेट और मोहन गेट के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्य किले के भीतर ही एक छोटा सा और भी किला है, जिसे मीरी किला के नाम से जाना जाता है। यह छोटा किला सैन गेट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बहुत आकर्षक दिखता है, और कहा जाता है यह मीर शाही परिवार के महल के रूप में कार्य करता था और उन्हें एक किले की तरह सुरक्षा भी प्रदान करता था। किले की पूरी संरचना पत्थर और चूने की गारे से बनाई गई है। किला टेढ़े मेढ़े रूप में बनाया गया है। यदि मैं मेरे द्वारों की बात करूं तो पहला द्वार पश्चिम की ओर है, नदी के पानी से घिरा हुआ है और यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। दक्षिणी प्रवेश द्वार में एक डबल डोर गेट है। सैन गेट अच्छी तरह से संरक्षित है और किले के चारों ओर के इलाके का सुंदर दृश्य देखने के लिए दोनों तरफ से किले के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाई की जा सकती है। यह द्वार मेरे किले का प्रवेश द्वार भी है। मेरी समय समय पर मरम्मत भी की गई, और यदि मैं अपने पुनर्निर्माण की बात करूं तो किले को सबसे पहले नवाब वली मोहम्मद लेघारी ने बहाल किया था, जो तालतपुर राजवंश के तहत सिंध के प्रधानमंत्री थे। किले पर विशेष रूप से सनगेट परिसर, मस्जिद सहित दक्षिण में फैली किलेबंदी की दीवार और मुख्य किले के भीतर छोटा मीरा किला या महल पर बहाली का काम किया गया था। ये पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग, सिंध के सांस्कृतिक विभाग और दादू जिला प्रशासन द्वारा किए गए थे। खराब निर्माण और ठेके देने में पक्षपात के आरोपों के बाद 2005 में एक जांच शुरू की गई। जांच आयोग की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि स्मारकों के संरक्षण और बहाली के लिए वेनिस चार्टर के अनुरूप सीमेंट और नए पत्थर के काम के साथ बहाली का काम खराब तरीके से किया गया था और साइट और किले पर आगे के काम को रोकने की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर 2006 में बहाली के काम को स्थगित कर दिया गया और हर काम में मिलावट और भ्रष्टाचार होना पाकिस्तान की किस्मत बन चुका है। और जब मैं पाकिस्तान में हूं तो वही किस्मत मेरी भी होनी है। दोस्तों, पाकिस्तान की और कोई चीज नंबर वन हो ना हो, लेकिन यह किला साइज के मामले में दुनिया का नंबर वन। बाकी पाकिस्तान के बारे में आप क्या पूरी दुनिया जानती है? वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।